अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस ज्ञान के ज्ञान रतन रूपी पत्थर है वो रावण की नगरी लंका तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं। के मूल निमित्त कौन है? दो आत्माएं, राम और कृष्ण वाली आत्माएं उन ज्ञान के पत्थरों को, जो पत्थर बुद्धि है उन पत्थरों को पैर आने के निमित्त बन रही। संसार सागर को क्रॉस कर रही है और वो ज्ञान रतन रावण की नगरी तक पहुंचने के निमित्त बन रही। बंदर नहीं थे लेकिन बंदरों की जैसी प्रवृत्ति थी कि इतना ढेर सारा ज्ञान सुनाने के बावजूद, इतना ज्ञान कानों में भरने के बावजूद भी अपने विकारों को छोड़ नहीं पा रहे, तो बंदर हुए या देवता हुए? हैं? बंदर हुए। इसी में अगला प्रश्न जुटा हुआ है, क्या सभी शास्त्र झूठे हैं? शास्त्रों में लिखा है ना कि बंदरों ने पुल बनाया और उस पुल की यादगार बनी हुई भी है वहां, कहां? लंका से लेकर के भारत का जो समुद्र तक है वहां तक जो पुल का निशान बना हुआ है, ऊंची ऊंची सागर के अंदर पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां क्या उस पुल को साबित नहीं करती? इसका मतलब ये नहीं है कि बंदरों ने पुल बनाया था और बाद में वो पुल टूट गया, वो टूटने के कारण वो पहाड़ियां बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो प्रकृति के आधार पर ऐसा बना बनाया खेल है, जैसे कंपिल में कुंड बना हुआ है, द्रौपदी कुंड, तो आलू बेटे को बना बनाया था। उस कुंड के किनारे से गंगा जी बह रही थी, उसको नाम दे दिया है पुरानी गंगा। उसके किनारे ही कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, तो कपिल मुनि कोई दाढ़ी मूंछ वाले थे क्या? नहीं, तो इस समय की यादगारें वहां बनाई हुई है। ऐसे नहीं कि कोई कुंड होता है जिसमें से कन्या और कुमार पैदा होते हैं, द्रौपदी और दशदुंग, नहीं, कोई ध्रुव पद पाने वाली कोई कन्या है जो ऐसा पुरुषार्थ करती है जिस पुरुषार्थ के ऊपर सबकी उंगली उठती है, अरे डूबी गई, डूब गई, डूब गई, बचेगी नहीं, देख कैसे बचती है। और भगवान का नारा होता है सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी, उसका नाम पड़ता है ध्रुवपदी। ऐसा पद पाने वाली ध्रुवपद है, और वो बच्ची भी किसकी है? किसकी कन्या है? राजा ध्रुवपद। ऐसा राजा जो ध्रुवपद है, इसका पद ध्रुव है, उसको कोई टाल नहीं सकता, वो पद बनेगा ही बनेगा। तो बाकी कोई ऐसा स्थूल द्रौपदी कुंड तो था नहीं, वो ड्रामा प्लान अनुसार प्रकृति के बनावट रही, जो द्वापर युग में वहां कुंड बन गया, वहीं पर गंगा बह रही थी और वहीं पर एक पहाड़ी पर उन्होंने कपिल मुनि की मठिया बना दी, शिवलिंग स्थापन कर दिया,
और एक कथा बना दी कि कपिल मुनि वहां तपस्या कर रहे थे और राजा सागर के, कौन से राजा के, सागर जो ज्ञान सागर है, मनन चिंतन मंथन करने वाला बहुत गहरा सागर है, खुद प्रैक्टिकल में पार्ट है, उसके 60,000 पुत्र, क्या 9 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, 1 लाख भी पूरे नहीं, कितना संदेश लिया, 7 लाख ने, 7,000 ने संदेश लिया, और वो 7,000 संदेश लेने वाले जो पुत्र थे वो काम की अग्नि में ऐसे जल गए, भस्म हो गए, उनके लिए गंगा लाई गई। वो गंगा जब, ऐसी मान्यता है कंपिल वालों की कि जब वो गंगा जो 5-6 किलोमीटर दूर अभी बहती है, वो गंगा जब कंपिल के किनारे आकर बहने लगेगी, बूढ़ी गंगा में मिल जाएगी, तो नई दुनिया बन जाएगी। ऐसी कथा कहानियां बनाई हुई भक्ति मार्ग, और सब कथा कहानियां झूठी है, शास्त्र भी झूठे हैं, शास्त्रों को बनाने वाले मनुष्य भी झूठे हैं। अरे झूठे नहीं होते तो फिर यहां धक्के खाने क्यों आते, झूठे हैं, झूठा बुद्धि ने करार किया तब तो उनको छोड़ करके यहां आकर के बैठते हैं ईश्वर की वाणी सुनने के लिए, ब्रह्मा के वाक्य सुनने के लिए। झूठे तो हमने खुद ही साबित कर दिए, तो पूछने की तो दरकार रहती नहीं। और पहले ये तो पूरा होने दो। बलराम ने धोखा खाया, राम ने ही बेड़ा पार लगाया, राम ने ही बचाया, तो बलराम कौन है? अरे दो ही हस्तियां हैं बाप दादा, चाहे रामायण हो और चाहे महाभारत हो, चाहे भागवत हो, वो दो हस्तियां साथ साथ पार्ट बजाती है, एक है राम और एक है लक्ष्मण। उनको राम और बलराम नाम दे दिया है। क्या लक्ष्मण में किसका बल था? राम का बल था। लक्ष्मण को भी समझाया, नहीं माना तो धोखा गया, और फिर राम ने ही बचाया। कैसे? संजीवनी रूपी राम को सुनाई जाती है या लक्ष्मण को सुनाई जाती है? तो लक्ष्मण को किसने बचाया? राम ने ही बचाया। हनुमान जी तो दास है, जैसा काम कराया जाएगा वैसा करेगा। दास की बड़ाई है या दास का जो मालिक है उसकी बड़ाई है? मालिक तेरे बंदे हम, तो बंदों की बड़ाई है या मालिक की बड़ाई है? मालिक की बड़ाई है। लक्ष्मी जो लक्ष्य को मार ले। लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? लक्ष्मी नारायण बनना लक्ष्य तो है, लेकिन सच्चाई में लक्ष्य क्या है? आत्मा क्या चाहती है? आत्मा का लक्ष्य क्या है? सुख और शांति मिले, ऐसी सुख और शांति मिले
जिसमें दुख और अशांति नाम मात्र भी न भोगना पड़े, ऐसी सुख शांति मिले कि पुरुषार्थ की जीवन में भी चैन की बंसी बजाते हुए जय जिंदगी काटी जाए। और नई सती भी दुनिया में 150 साल का राज्य भी मिल जाए, सुख और शांति का मिल जाए। वो 150 साल का राज्य देने वाला जो बाप है वो इतने लंबे समय तक वो राजा ही नहीं भोगता, सुख शांति नहीं भोगता, कष्ट वाली आत्मा भोगती है। पहले पत्ते वाली जो आत्मा है वो ज्यादा सुख शांति भोगेगी 84 जन्मों में, या राम वाली आत्मा ज्यादा सुख शांति भोगेगी? कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा सुख शांति भोगती है। तो लक्ष्य आत्मा का क्या है? सुख शांति भोगना। गलत बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। हर आत्मा यही चाहती है हम सुख शांति भोगे। तो जितने ये लक्ष्य प्राप्त किया जिस आत्मा ने सत्यम सत्य, वो ही लक्ष्मण। क्या धर्मों का आत्मा हो जाता है, जिसको किया जाता है उसमें भी लक्ष्मण वाली आत्मा जो अंकुर होती है। जैसे इस्लाम में मोदी क्रिश्चियन के क्या धर्म है, इसमें अंकुर धर्म की आत्मा। बौद्ध धर्म में भी जो प्योरिटी की पालना है वो पालना करने के लिए ज्यादा सहयोगी कौन सी आत्मा प्रवेश करके बनती है? कृष्ण की आत्मा बनती है। कृष्ण की आत्मा अगर उसमें प्रवेश न करे तो वो भारतीय धर्म दुनिया में साबित नहीं हो सकता। एक है भारतीय धर्म और एक है विदेशी धर्म। बाप जो है वो बाहर को संभालता है और माँ अंतर को संभालती। तो माँ की आत्मा कौन है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा, माता का पाठ बजाने वाली, कुछ स्वधर्मियों को संभालने वाली। और जो विदेशी धर्म है उनको संभालने वाला, उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला वो बाप है। इसलिए बाप विदेशी बन के आया है या स्वदेशी बन के आया है? विदेशी बन करके आया है। समराइजिंग पॉइंट पर पहले पहले कौन सी आत्मा ज्ञान सूर्य बाप को प्रत्यक्ष होते देखे? प्रत्यक्ष होके देखेगी, प्रत्यक्ष होते देखेगी। वो तो अचल वालों में से पूछे जाके, अचल गढ़वाले ज्ञान में निकले और निकलने के बाद अचल अखंड अडोल रहे तब कहा जाए। अभी तो परीक्षा ही नहीं हुई। आगे अगर अभी भी उनमें से कोई कहे भी कि हम हैं, हमने पहले पहचाना, तो हम मान लेंगे नहीं? नहीं, पहले फाइनल परीक्षा में पास होके दिखाओ तब मानेंगे। अभी तो चलना शुरू किया है। बाबा दुनिया में जो भिखारी आदि होते हैं इनको दान देना चाहिए आजकल, वो शिविर के लिए पर्चियां देते हैं है? दुनिया में जो भिखारी आदि होते हैं उनको दान देना चाहिए। जैसे आजकल ये दूसरा भी है, जैसे शिविर के लिए पर्ची कटवाने आ जाते हैं या और ऐसा वैसा चंदा मांगने आ जाते हैं, तो इनको दान देना चाहिए। जो चंदा मांगने आ जाते हैं वो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं या हुजूम का नाम लेकर के मांगते हैं? है? जो हुजूम का नाम लेकर के चंदा मांगते हैं और चंदे को खुद खा जाते हैं, तो उनको देने से आपका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? वो तो बिगड़ जाएगा। लेकिन जो खुद अपने लिए जिंदा रहने के लिए मांगते हैं और उन्हें आप देते हैं, जिंदा रहेंगे तो आगे चल करके भगवान को पहचानेंगे। अगर जिंदा ही नहीं रहे तो शरीर छोड़ देंगे, बच्चे के रूप में जन्म मिलेगा या तो भूत प्रेत के रूप में जन्म मिलेगा और भगवान की प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए जो पर्सनल के लिए अपने शरीर का पोषण करने के लिए अगर कुछ लेते हैं, मांगते हैं,
कुछ है तो देने में हर्जा है क्या? हाँ, पैसा नहीं देना है, 50 का 100 का नोट नहीं देना है, क्या जो अपने पास खाना पीना रखा है वो उनको दे देना। नहीं तो अनाज का ढेर भी उनको दे देंगे तो मार्केट में जाके बेच देंगे। प्रश्न आया है, आजकल टीवी खूब देख रहे हैं, कहते हैं पार्वती नहा रही थी, मैल का गणेश बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया, शिव जी आए तो गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, इसका मतलब क्या है? पार्वती नहा रही थी माने ज्ञान स्नान कर रही थी, ज्ञान स्नान करने जाने के लिए पार्वती ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? अपने शरीर का उबटन किया और जितनी भी मैल माटी निकली वो सारी मैल माटी का इकट्ठा किया और गणेश बनाई दिया। अब ये तो सभी जानते हैं कि स्नान करने से पहले जो उबटन लगाते हैं उस उबटन लगाने के बाद जो मैल माटी इकट्ठा होता है वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखने में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, है? एक है आत्म की स्थिति से पैदाइश करना और एक है देह का जो मैल है, देह अभिमान का मैल जिसे कहते हैं कुहवंशावली। गणेश को देह की वंशावली कहेंगे या मुखवंशावली कहेंगे? देह की वंशावली है, कुहवंशावली है, इसलिए उनका मोहरा भी जानवर का दिखाया गया है। जितने भी कुहवंशावली है भगवान बनने वाले वो सब जानवर के रूप में दिखाए गए, जानवरियत के अवतार हैं, वास्तव में मानवीय अवतार नहीं है। उनमें भी गणेश किसको मानने वाला है? पहले किसको मान्यता देता है? माता को मान्यता। मुरली में क्या बोला है? माता के पुजारी है रावण को बताया, क्यों? क्योंकि वो माता को मानते हैं, बाप को नहीं मानते, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि माँ के साथ कोई पीछे से बाप भी होना चाहिए, वो पहचान की परवाह भी नहीं करते। मनुष्यों की दुनिया में भी ऐसे होता है, कोई बच्चे होते हैं उनसे पूछा जाए तुम किसकी संतान हो तो क्या कहते हैं? अम्मा का नाम बता देंगे, हम अम्मा की संतान हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही शूटिंग हो रही है, उनसे पूछेंगे किसकी संतान हो तो क्या बता देंगे? ब्रह्मा की संतान है। वो क्या आदमी होगा तो सोचे ये बार बार पूछते हैं ये किसकी संतान है, ये अपना अम्मा का ही नाम बताता है, बाप का नाम क्यों नहीं बताता? तो बुद्धि के अंदर शक पैदा होगा या नहीं होगा? है? क्या शक पैदा होगा? इसको अपने बाप का पता ही नहीं है, इसकी अम्मा इसके बाप का नाम है, इसको बना के तैयार कर दिया, पावरफुल बना दिया, सब प्रकार की पावर भी दे दी, लेकिन उसको बाप का नाम नहीं बताया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी हो रहा है, फाउंडेशन पड़ रहा है, ऐसे गणेश और सुंदरी वाले हनुमान तैयार हो रहे हैं। तो वो मैल माटी से तैयार होते हैं,
आँख में किसी चीज तैयार नहीं होती। हाँ, उनमें तैयार करने के बाद तपस्या का सार डाल दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूंक दिए जाते हैं। तो ऐसी तैयारियां हो रही हैं, ऐसे जानवरियत के अवतार तैयार हो रहे हैं जो बाप का मुकाबला करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, बाप को अलग साबित करेंगे क्योंकि तो बाप को जानते ही नहीं, और माँ का ही बोलबाला का जय माता दी। और अगला प्रश्न है, बाप को विदेशी क्यों कहते हैं? वो तो अभी जवाब दे दिया, अम्मा का पाठ है कृष्ण वाली आत्मा का, वो विशेष सहयोगी बनती है, विधर्मियों की सहयोगी तो बनती है, लेकिन विधर्मियों में और स्वधर्मियों में जब झगड़ा होता है तो खास सहयोगी किसकी बनती है? स्वदेशियों की सहयोगी बनती है, बौद्धियों की, सन्यासियों की, सिखों की सहयोगी बनती है। इसलिए माँ घर संभालती है, ये भारतीय धर्मों को संभालने वाली है, और बाप बाहर संभालता है, बाहर माने विदेशियों को। माँ विदेशियों को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, स्वदेशी बच्चों को कंट्रोल कर सकती है, और बाप विदेशी बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बाप को विदेशी कहा गया, बाप विदेशी बनकर के आते हैं, सारी दुनिया विदेशियों के प्रभाव में आ गई, या कोई स्वदेशी भी है? सारी दुनिया विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है, तो सब विदेशी हो गए, तो बाप भी विदेशी बनकर के आता है। अगर विदेशी बनकर के ना आए, स्वदेशी बनकर के आ जावे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के आ जावे, तो सबके साथ संबंध जोड़ेगा क्या? जोड़ सकेगा? नहीं जुड़ेगा। लेकिन सब आत्माओं की आस क्या है? कि भगवान बाप हमारा सब संबंधी बने, और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए राम कृष्ण वाली आत्माएं हमारी संबंधी बनकर के रहें। तो बाप का ये विरुद्ध है कि वो स्वदेशी बनकर के नहीं आता है, सब बच्चों से स्वेच्छा अनुसार संबंध जोड़ने के लिए विदेशी बनकर के आता है। तभी ये संभव हो सकता है कि जो बच्चे जब चाहे जैसे चाहे बाप को खिलौना बना करके बाप के साथ खेल सकते हैं। इसलिए अज्ञातवाणी में भी बोला है, ये ऐसा तुमको खिलौना मिला है संगम युग में जो न टूटेगा न फूटेगा, और इसको बाजार में खरीदने के लिए तुमको पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। रात में जागते हैं ना, जब शिव आते हैं तो शिवरात्रि कही जाती है ना, अभी भी बाप को बच्चे बुलाते हैं या नहीं? मुरली में तो बोला है कि जो बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ ऐसे कहकर बुलाते हैं दिल की आवाज से, वो पतित पावन बनते हैं। जो बुलाते नहीं वो पतित पावन बनते भी हैं। तो ये कहाँ की बात है?
अभी संगम युग की ब्राह्मणों की दुनिया में ये दिल की शूटिंग हो रही है। कोई दिल की आवाज से बाप को बार बार बुलाते हैं, बाबा आओ, हमारी अवस्था हमारी अवस्था गिर रही है, आपके आने से हमारी अवस्था ऊंची उड़ जाएगी, तो बुलाते हैं बार बार। तो वो भारतवासी बच्चे बार बार बुलाते हैं तो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है बुलाने की। और जब मनुष्य मरते हैं तो संग क्यों हो जाते हैं? जो मुख है वो संख की यादगार है क्या? जब सारी दुनिया मरा लगी, मरा पड़ेगा, तो ज्ञान का धंधा सारी दुनिया में फैलेगा कि और धंधे फैले हुए होंगे? ज्ञान का धंधा सारी दुनिया में फैलेगा, तो ये संख चारों ओर बजेगा या नहीं बजेगा? है, ये मुख का संख सारी दुनिया में बजेगा, इसलिए यादगार बनी हुई है। जब मरते हैं, मरा पड़ता है तो संख बजाते हैं। देवताओं को, खुद तो देवता है, देवताओं को जानवरों की सवारी क्यों दिखाते हैं? देवताओं को जानवरों की सवारी क्यों दिखाते हैं? मान लो राम देवता है तो किसके ऊपर सवारी करता है? अरे किसके ऊपर करता है? हनुमान के ऊपर। हनुमान जानवर है या मनुष्य है? जानवर दिखाए। जो भी देवताएं हैं उनको जानवरों की सवारी दिखाई, कारण क्या है? सवारी तो बाबा जानवर की होगी ना? है, सवारी तो बाबा जानवर की होगी, मनुष्य के सवारी तो हो ही सकती। हाँ, सवारी जब करते हैं तो अपना सारा भार किसके ऊपर डाल देते हैं? जानवर के ऊपर डाल देते हैं। सारा भार जानवर उठाता है और पुरुषार्थ की दौड़ लगाने में वो आत्मा क्रास करती है। फायदा किसका होता है? जानवर का फायदा होता है या सवारी करने वाले देवता का फायदा होता है? देव आत्मा का फायदा हो जाता है। ये पूर्व जन्मों के हिसाब किताब है जो यहाँ संगम युग में पूरे होते हैं। बाबा, तो सवार होना अच्छा या सवारी बनना अच्छा? सवार होना अच्छा। अपना अपना पुरुषार्थ है, सवारी बनते हैं, जो सवारी बनेंगे वो ऊंचे हुए या जो सवारी करेंगे वो ऊंचे हुए? तो सवारी करने वाले सब मनुष्य देवता, ब्राह्मण को देवता, और जिनके ऊपर सवारी की जाती है वो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य की स्टेज में नहीं है। अगर मनन चिंतन करने वाले मनुष्य की स्टेज में रहे होते तो उनकी सवारी साबित ही नहीं हो सकती। वो सवारी जानवरियत की साबित ही नहीं तब होती है जबकि जानवरियत जैसे संस्कार रहते हैं। इसलिए कार्तिकेय है,
दक्षिण में सुब्रह्मण्यम स्वामी कहा जाता है। तो सवारी किसकी दिखाते हैं? हैं? मोर की सवारी दिखाते हैं। मोर पक्षी है, मनुष्य तो मनुष्य नहीं है, और पक्षियों में भी सबसे श्रेष्ठ पक्षी है या थर्ड क्लास पक्षी है? श्रेष्ठ पक्षी है, इतना ऊंचा पक्षी है जो भारतवर्ष में आज तक भी नेशनल बर्ड के रूप में उसकी मान्यता है। भारतीय पक्षी कौन सा है? मोर। तो क्या खासियत है? खासियत है कि देह अभिमानी की पूंछ जो है वो भी इतनी सुंदर, जब डांस करता है तो पूंछ से ही डांस करता है क्या? अगर उस मोर के बारे में कोई सोचेंगे तो मोर के और अंग ज्यादा याद आवेंगे या पूंछ ज्यादा याद आवेगी? पूंछ ज्यादा याद आवेगी। बड़ी मनोहारी है, मन को हरण करने वाली। ऐसा मोर जब पक्षी का पार्ट बजाता है, ऐसा पक्षी का पार्ट बजाता है, पक्षी क्या करता है? उड़ता है। कितनी उड़ान होता है? हैं? तीन उड़ाने उड़ता है। इसकी तीन उड़ाने ही प्रसिद्ध है। पहली उड़ान सच की शूटिंग, दूसरी उड़ान है त्रेता युग की शूटिंग, तीसरी उड़ान द्वापर युग की शूटिंग। अगली उड़ान उसको भरने की दरकार ही नहीं, तीन उड़ानों में वो अपनी स्टेज पर पहुंच जाता है। इसको शास्त्रों में दूसरे तरीके से भी बोला है, ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि देखी, नहीं समझ में आई, फेल कर दिया, कैंसिल कर दी, दूसरी बार सृष्टि देखी, नहीं समझ में आई, कैंसिल कर दी, तीसरी बार सृष्टि देखी, नहीं समझ में आई, वो द्वापर युग की सृष्टि भी कैंसिल कर दी। तो चौथी बार जो सृष्टि थी वो कैंसिल नहीं की, माने वो ऊंची स्टेज की उड़ान है। चारों युगों की जब शूटिंग हो जाती है तो काम संपन्न हो जाता है। वो मयूर दिखाया गया है, जितने भी पक्षी हैं उन पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ पक्षी है। उसकी क्या प्योरिटी की खासियत है? है कोई खासियत है प्योरिटी की? हाँ, पक्षी की एक खास खासियत है, पूंछ इतनी लंबी है, और जो मोरनी होती है उसकी पूंछ होती ही नहीं। क्या पूंछ नहीं होती? उसको पूंछ होती है। तो मोरनी जिसको पूंछ ही नहीं है वो कितनी यादगार है? अरे अरे कौन सी मोरनी है जिसको ज्ञानी की पूंछ ही नहीं है? जब जब सुनाएगी तो वो बेसिक ज्ञान ही सुनाएगी, एडवांस ज्ञान लक्ष्मी पूंछ नहीं है, छोटी सी ना के बराबर, और मोर को बहुत लंबी पूंछ है, और डांस भी बहुत अच्छा दिखाता है। लेकिन प्योरिटी में इतना प्योरिटी उसको दिखाई गई है, उसको ब्रस्ट इंद्रियों से संतान पैदा करते हुए किसी ने नहीं देखा है। प्रैक्टिकल बात है ब्राह्मणों की दुनिया की,
या इम्प्रैक्टिकल बात है? प्रैक्टिकल बात है कि वो मोर जब उड़ान भरने की स्टेज पर पहुंचता है तो ऐसी ऊंची स्टेज में चढ़ता है कि इसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा धरणी के आकर्षण में आती ही नहीं है। जब धरणी के आकर्षण में नहीं आएगी तो बच्चा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो दस इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता है। अगर संतान पैदा होती भी है तो श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है। मुख की संतान मुखवंशावली बनेगी या दृष्टि की संतान योग बल की पैदाइश होगी। इसलिए कार्तिकेय को मोर की सवारी दिखाई है। कार्तिकेय कौन से धर्म का बीज है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का बीज अंत में प्रत्यक्ष होगा या पहले प्रत्यक्ष होगा? बीज में प्रत्यक्ष होगा। अब प्रत्यक्ष होता है, है? अरे प्रतिभा त्रेता में राशि कहां प्राप्त करेगा? लास्ट में जो तीन गद्दियां हैं, गिरी हुई गद्दियां, कटी हुई गद्दियां, उसमें जाकर के राज्य प्राप्त करता है। तो अंत में जब वो त्रेता के अंत में राज्य प्राप्त करेगा तो पुरुषार्थ की उस समय ऊंची स्टेज की शूटिंग होनी चाहिए या नीचे स्टेज की शूटिंग होनी चाहिए? है ऊंची स्टेज की शूटिंग हुई है, उसकी ऊंची स्टेज की शूटिंग होती है। और जो राम वाली आत्मा त्रेता की पहले जन्म में ऊंची स्टेज वाली होती है वो अंतिम जन्म में आके नीची स्टेज वाली बनेगी या ऊंची स्टेज वाली होगी? नीची स्टेज वाली हो गया, इसलिए वो उसके ऊपर सवार हो जाते। बाबा जब बच्चे बच्चों की शादी करते हैं तो टेवे मिलाते हैं, मिला है? जब बच्चों की शादी करते हैं तो टेवे मिलाते हैं ना, क्या मिलाते हैं? जन्म कुंडली मिलाते मिलाने चाहिए या नहीं? राम और सीता की जन्म कुंडली मिलाई। और दुनिया के बड़े से बड़े जो ज्ञानी ऋषि मुनि थे वशिष्ठ जी महाराज, उन्होंने मिलाई। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा रिजल्ट हुआ। तो कोई फायदा है इससे? फायदा तो कुछ भी नहीं है। तो सब ब्राह्मणों के पैसे कमाने के टंटे हैं, धंधे हैं। बाबा वास्तव में माउंट आबू है जैसे पत्थर का बना हुआ पहाड़ी, अच्छी वहाँ पर जो विनाश होगा जैसे लास्ट पांच सात रोज में जैसे वार करेगा, इससे पहले नहीं वार करेगा है? जो महाविनाश होगा हाँ। जो पांच सात रोज में जो सृष्टि जैसी खास होगी वो भी जहाँ से चला है वहां से स्टार्ट होगा हाँ। तो जो यमुना के किनारे जो स्वर्ग जैसे बनेगा हाँ। उस पर भी तो वार नहीं करेगी जल की प्रशक्ति, उसकी क्या विशेषता है? जो अणु अथवा जो आत्मा जहाँ से चक्कर लगाना शुरू करती है पांच चार वर्ष का पूरा राउंड लेकर के वही उसको पहुंचना है। क्या क्या चैतन्य हो और क्या ही जड़ हो? जो जड़ अणु है पृथ्वी के अंदर वो जहां से चालू हुए होंगे वहीं जाकर के चक्कर लगा के पहुंचेंगे। तो ये निश्चित हो जाता है कि जब महाविनाश होगा आखिरी विनाश होगा तो इस सचिरूपी रंगमंच पर एक सेकंड ऐसा जरूर आना चाहिए कि कोई भी जीव जंतु यहां चैतन्य अवस्था में नहीं होगा। सब कहां पहुंचेंगे? परमधाम। सब परमधाम पहुंचेंगे।
पेड़ पौधों की आत्माएं भी कहां पहुंचेंगी? परमधाम, वो भी परमधाम पहुंचेंगी। वो पेड़ पौधों की आत्माएं जो है वो जड़त्वमयी आत्मा है, और मनुष्य की आत्मा है चैतन्य आत्मा है। तो पृथ्वी से ज्यादा परे की स्टेज मनुष्यों की आत्माओं की होगी या पेड़ पौधों की आत्माएं ज्यादा परे होंगी? मनुष्य वाली आत्माएं बहुत परे होंगी, और जो पेड़ पौधे वाली आत्माएं हैं वो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक होंगी, और उनमें भी सब नंबर वार है। क्या कोई पश्चिम में पैदा होते हैं अमेरिका में, और कोई पूरब में पैदा होते हैं? कोई का बीज पूरब में ही मिलेगा, पश्चिम में नहीं मिलेगा। कोई का बीज उत्तर में ही मिलेगा, दक्षिण में नहीं मिलेगा। माना जो जहां का है वहीं से शुरुआत करेगा, और 5000 वर्ष पूरे होने के बाद वहीं उसको वापस जाना। तो ऐसे ही जो ग्रेनाइट का पत्थर है माउंट आबू पर, जब लास्ट विनाश होगा तो वो इतना भयंकर होगा, वो ग्रेनाइट का पत्थर का पहाड़ भी पिघल करके समुद्र के गर्त में पहुंच जाएगा। बाबा इसका मतलब जो माउंट आबू में जो आत्मा जैसे शरीर उनका जैसे होगा, हाँ, और आत्मा जैसे परम धाम होगी। माउंट आबू क्यों होगा? जो पहले मतलब जैसे सागर में मिलेगा तो वहाँ जैसे गंगा के किनारे पे जाकर खड़ा कर देगा उनके सौ को बाड़ी। गंगा किनारे नहीं, यमुना किनारे। यमुना के किनारे खड़ा कर देगा। हाँ, वो ऐसा टाइम आएगा कि वो मनुष्य आत्माएं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ की होंगी वो पहले ही शिकस्त कर जाएगी यमुना किनारे पर। जी बाबा, जैसे लास्ट में जैसे माउंट आबू जैसे बचेंगे तो माउंट आबू में होंगे, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी, फिर स्वदेशी तो पहले वहां चले आएंगे नियम का यमुना के किनारे। नंबर वार है कि नहीं? नंबर वार हूँ बाबा, मैं कह रहा हूँ। तो नई दुनिया जब यमुना के कंठे पे बनेगी तो जो अव्वल नंबर वाली आत्मा है वो यमुना के कंठे पे पहले पहुंचेंगी या बाद में पहुंचेंगी? पहले पहुंचेंगी। पूछने की क्या बात है? जैसे माउंट आबू में जैसे हर धर्म के जैसे बीज हैं, अपने ज्ञान में जैसे हर धर्म के बीज हैं, और जैसे वहाँ मकान वगैरह जैसे रहने के लिए कुछ जैसे इस तरह का जैसे जैसे कर रहे हैं, कहाँ? माउंट आबू में। माउंट आबू के लिए तो पहले ही बता दिया, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा। क्या नहीं सुना? सुन गया। सुन लिया? हाँ। हाँ, तो ये मकान तो अल्पकाल के लिए बन रहे हैं। नहीं बाबा, तो लास्ट स्टेज में जब तोड़फोड़ शुरू होगी ना तो सर मकान वकान पहाड़ में कुछ नहीं रहेंगे, वो भी हिलेगा। बाबा अगली बातें हैं कि बात ये है कि जैसे वो तो हंगामा होगा, जैसे विधर्म ढेर सारे पहुंचेंगे तो हाँ। तो धर्मी तो शांति पीरियड में तपस्या करके गंगा के जो भी विधर्मी पहुंचेंगे लास्ट में, वो पहुंचने वाले विधर्मी जो हैं, वो सन्मुख अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? सन्मुख अनुभव करेंगे। अनुभव करेंगे तो वो देवताओं की लिस्ट में होंगे, कन्वर्टेड देवताओं की लिस्ट में होंगे या विधर्मियों की लिस्ट में होंगे? कन्वर्टेड देवताओं की लिस्ट में होंगे, बाकी तो पहुंचेंगे ही नहीं। बाबा उस टाइम जैसे लास्ट में जैसे उनके पहुंचने से थोड़े देर पहले चार जैसे स्वधर्मी थोड़ा देर पहले कहने का मतलब जैसे विधर्मी वहाँ पहुँचेंगे तब जैसे रस होगा ज्यादा, उसके पहले ही जैसे स्वधर्मी तपस्या करके अपने पापों के भस्म करके यहाँ जमुना के किनारे तो आ जाएंगे। क्यों नहीं आ जाएंगे? क्या चिंता हो रही? मेरे बाबू को चिंता नहीं। बाबा इनके कहने का मतलब ये है कि वहाँ भी तो विनाश हो जाएगा ना। कहाँ? यमुना के कंठे पर। सारी दुनिया का विनाश होना है,
लेकिन विनाश होने से पहले कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो आत्मा की ऐसी स्थिति बना लेगी कि विनाश का उनके ऊपर आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सुख स्वरूप स्टेज में शरीर से स्थिति आ जाएंगे। कुछ आत्मा ऐसी होंगी हाय हाय करके शरीर त्यागेंगी। बाबा जो उनकी प्रैक्टिस ही नहीं पड़ी हुई। बाबा जो पहाड़ को पीठ बनाने वाले जैसे होंगे वो किधर नहीं होंगे, उसके उनको लास्ट में पहुंचेंगे। जो लास्ट में पहुंचे उनको जगह कम मिलेगा। एक को छोड़ करके सारी दुनिया विधर्मी बनती है कि नहीं बनती है? बाबा तो कोई पहले कोई बाद हो जो सब बाद में बनता हो सकते। जो पहले विधर्मी बनते हैं उनको पहले पीठ कुर्सी बनाना पड़े। स्वेच्छा से बना लो क्या? स्वेच्छा से दंडक का तकिया त्याग दो। और कोई ऐसे होंगे स्वेच्छा से त्याग नहीं करेंगे तो उनको प्रकृति त्याग कराएगी, धर्मराज त्याग कराएगी। आदमी को पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए? दो रोटी चाहिए, पाव भर आटा चाहिए बस। और जिनका लीवर खराब है उनके लिए तो पाव भर भी बहुत है। तो बाकी जितना भी हम हाव हाव करके इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या है? अभी भी दुख देगा अभी भी। वो बेधर्मी, वो बेधर्मी की स्टेज है या स्वधर्मी की स्टेज है? बेधर्मी का स्टेज है। मुरलियों में महात्मा गांधी का नाम आता है। क्या? महात्मा गांधी का नाम आता है। भगत का, भगत सिंह का नाम क्यों नहीं? अरे वो तो जिसका भी नाम आएगा उसके लिए प्रश्न पैदा हो जाएगा। भगत सिंह नहीं तो कोई दूसरा सिंह, उसका नाम क्यों नहीं? इस शरीर में नाम ही ऊंची क्यों है? कान सामने क्यों नहीं? माना इस तरह के प्रश्न करने के टाइम पर ड्रामा भूल जाता है। हर आत्मा का पार्ट नुदा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि इस आत्मा का पार्ट ऐसा क्यों? जिसने शूटिंग पीरियड में जैसा पार्ट नूद किया है वैसा ही पार्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। ये प्रश्न ड्रामा के अनुकूल नहीं है कि नाक आगे ही क्यों नहीं है, पीछे क्यों नहीं? हाँ इसीलिए प्रिय है कि रुद्रमाला के मन के सब पुरुष हैं स्वभाव संस्कार से, है कि नहीं? पुरुष तो है लेकिन भगवान बाप रुद्रमाला के मणकों को ज्यादा पसंद करता है या विजयमाला के या भक्तमाला के मणकों को ज्यादा पसंद करता है? रुद्रमाला के मणकों को पसंद करता है। लेकिन रुद्रमाला के मन के जितने भी हैं वो सब पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं, माने दुर्योधन दुशासन वृत्ति के हैं। तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति वालों में भी सारी मनुष्य शक्ति के बीज हैं
या कोई ऐसा रह जाता है जिसका बीज रहो, सारी मनुष्य शक्ति के बीज है, उन सारी मनुष्य शक्ति के बीजों के बीच में कोई बीज ऐसा है जो दुर्योधन दुशासन बनने वालों की लिस्ट के बीच में सबसे कम परसेंटेज वाला हो, योग बल के आधार पर अपनी दुर्योधन दुशासन वाली व्यक्ति को नष्ट कर लेता हूं। कोई है या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए उनको काशी नगरी प्रिय है। नाम क्या रखा, क्या नाम रखा उस नगरी का, काशी नगरी। काशी माने जहां याद का तेज भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी का तेज नहीं है, जन्म जन्मांतर का तो वो राजा बनने वाली आत्मा है, द्वापर कलयुग में भी राजा बनने वाली आत्मा है, लेकिन क्या भरा हुआ है, याद का तेज भरा हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ करते टाइम जो जितना याद करता है उस आत्मा में उतनी शक्ति जन्म जन्मांतर के लिए भर जाती है, और वो शक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो औरों का ज्ञान न सुने, किसका सुने, सिर्फ एक का ही ज्ञान सुने, विचारी ज्ञान वाली ना हो धरणी। कैसी धरणी हो आप, विचारी ज्ञान वाली धरणी। शंकर जी पार्वती को इतना प्यार नहीं करते, गंगा जी को इतना प्यार नहीं करते, काफी नगरी उनको ज्यादा प्रिय है, कोई कारण तो होगा। कारण यही है कि गंगा नदी जब काशी के नजदीक पहुंचती है तो संग के रंग में आकर के जो राम तेरी गंगा मैली हो जाती है, वो गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है, उसका शेप कैसा हो जाता है, तलवार का शेप हो जाता है। से पहले ज्ञान तलवार का रूप नहीं है, फिर ज्ञान की तलवार बन जाती है। तो ज्ञान की तलवार जो ऐसी धारदार वाली तलवार है जो भारत के कुंभकर्णों को जगाए लेती है, जिन भारत के कुंभकर्णों के जगने से तुम्हारी विजय सिद्ध हो जाती है। तो किसका महत्व हुआ, गंगा का महत्व हुआ, सन्यासियों का महत्व हुआ, या काशी नगरी का महत्व हुआ, है काशी नगरी का महत्व हो गया। बाबा माउंट आबू जी महाविनाश होने तक ये आपने बात अपने मन से बना ली या कोई प्रूफ है? बाबा मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, जो कानून कहता है, कानून कहता है, क्या कानून कहता है? एक जगह जैसे सुख धाम में जैसे फैसलो बैठे की शांति धाम में राम बाप बैठेगा, जो रूल कहता है उससे दुनिया के भी संगम युग में जो बाप वाली आत्मा है वो नीची स्टेज में रहती है या ऊंची स्टेज में रहती है? नीची स्टेज में। प्रैक्टिकल में कहाँ रहती है? नीची स्टेज। तो फिर प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, अमेरिका जाने के बावजूद भी उसकी बुद्धि का कनेक्शन अपनी कुर्सी से जुटा हुआ रहता है
या अमेरिका में और लंदन में टूट जाता है, गुस्ती में टूटा रहता है, वो तो स्थूल बात है। और यहाँ तो खास आत्मा की बात है, मन बुद्धि रूपी आत्मा का जो कनेक्शन है वो है, आप उसमें भले रहे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि शरीर से भी माउंट आबू में रहे। बाबा दसवां ग्रह कौन है? दसवां ग्रह कौन सा? तो अभी अखबारों में निकला तो उसका नाम पूछो, तुम्हारा लगाव ज्यादा है तो लोगों से पूछो। और साधु संतों को दाढ़ी नहीं दिखाते हैं? साधु संतों को दाढ़ी नहीं दिखाते? नहीं, साधु संतों को दाढ़ी नहीं होती है, कोई गुटमंडा भी होते हैं। दाढ़ी भी नदारत, मूछ भी नदारत, सर के बाल भी नदारत, हाथ ही बाकी के सन्यासी होते हैं, एक तरह के सन्यासी नहीं होते, कोई जटादारी भी होते हैं, कोई गुटमुंडे भी होते हैं, कोई दाढ़ी मूछ वाले भी होते हैं। और मुसलमानों में जो सन्यासी होते हैं उनको मूछ ही नहीं होती, दाढ़ी भी होती है। मुसलमानों की दाढ़ी भी होती है? हाँ, मुसलमानों की दाढ़ी होती है, लेकिन जो हाजी जी होते हैं वो मूछ अपनी निकाल लेते हैं। भारतवर्ष में जो मनुष्य होते हैं वो मूछ को बहुत महत्व देते हैं, और मुसलमानों में, मुसलमानों में मूछ को कटवा देते हैं। बाबा हाँ, जैसे सुप्रीम सोल जैसे एक जोड़े को जैसे तैयार कर देता है, बाप और बच्चे को तैयार कर देता है, बाप और बच्चे को तैयार कर देता है, उसके बाद वो परम धाम चला जाता है, जैसे बैकुंठ स्टार्ट हो जाता है। तो जब बाप और बच्चे को जैसे तैयार कर देता है तो फुल पावर, बाप और बच्चे को तैयार करता है तो बाप और बच्चा ही तैयार होता है, या बाप के साथ पहले अम्मा तैयार होती? अम्मा भी तैयार। वो भूल गई, कौन सा धर्म गया? जय माता दी या जय पिता दी? माता पिता दोनों। कहाँ हो माता पिता दी? माता तुम्हें याद ही नहीं रही? क्यों नहीं याद? हाँ, ब्रह्मा याद रह गया, कृष्ण याद रह गया, बच्चा याद रह गया, बाप याद रह गया, अम्मा तो भूल गई। बाबा मुझे बुद्धि में था, मैं क्वेश्चन को पार्ट था, क्वेश्चन को मैं जैसे वो जैसे स्टार्ट कर रहा था। हाँ। तो बाप की स्टेज नीचे कैसे होगी? हाँ? तो बाप की स्टेज नीचे कैसे होगी? ये किसने कहा बाप की स्टेज नीचे होगी? अभी तो प्रश्न कहा कि बाप उसमें ऊंचा स्टेज में होगा कि नीचा स्टेज में होगा, क्या कहाँ आया? थोड़े देर बाबा पहले मैंने जो प्रश्न आपने किया था, क्या किया था? एक जैसे वहाँ के लास्ट में जाकर के बाप नीचे स्टेज में चला जाएगा। अरे लास्ट में तो शंकर को दिखाया गया है वृक्ष के चित्र में, तो वो आत्माओं को लेकर जा रहा है, वो लेके जा रहा है, तो पहली स्टेज में पहुंचेगा या निचली स्टेज में पहुंचेगा? ऊपर की स्टेज में जाएगा। तो वो तो लास्ट की बात है, लास्ट तो फास्ट वाली स्टेज। बाबा जी क्वेश्चन ये था कि जैसे एक प्रजापिता वाली आत्मा जैसे माउंट आबू में लास्ट विनाश कर रहेगी, प्रजापिता वाली आत्मा जैसे शांति धाम जो बनेगा उसमें लास्ट विनाश के टाइम तक रहेगी, सुख धाम तो वैष्णो लक्ष्मी को है और शांति धाम बाप का है, सुख धाम है माँ का, शांति धाम है बाप का, तो शांति धाम जब तक रहेगा तब तक बाप वहाँ रहेगा। सुख धाम और शांति धाम का गेट साथ साथ खुलता है या आगे पीछे खुलता है? साथ साथ खुलता है। तो बंद भी साथ साथ होगा या आगे पीछे बंद होगा? साथ साथ बंद होगा। मन बुद्धि से बेशक वो आत्मा वहाँ रहे जैसे सुख धाम में, लेकिन सकार बाड़ी से तो शांति धाम में रहेगा। शांति धाम पहले छोड़ना है किसको? शांति धाम में पहले पहुँचेगा कौन? जो शांति धाम में जवाब दो, जो बात उसका जवाब दो। शांति धाम में सबसे पहले प्रजापिता पहुँचेगा। और छोड़ेगा कौन? प्रजापिता छोड़ेगा।
बात खत्म। बाबा वो मन बुद्धि का स्टेज ऐसा बन जाएगा। हाँ लेकिन जहाँ जिसका है उसको वहाँ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी देनी पड़ेगी। मन बुद्धि की ही तो प्रधानता है, शरीर की कहाँ प्रधानता है? इस सरकार बाड़ी से तो माउंट आबू में तो प्रजापिता वर्मा रहे, कहाँ भी नहीं रहे प्रजापिता वर्मा। वो वो आत्मा सबसे पहले परमधाम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? बाबा ये तो बात की बातें हैं। जब तक ये सकार सृष्टि है तब तक मैं बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जब तक जो आत्माएं जाएंगी वो सारी एक साथ ऊपर जाएंगी या आगे पीछे जाएंगी? थोड़ा अंतर होगा, नंबर नंबर का अंतर होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं कि ऊपर जाने में एक साल लग जाएगा। नहीं बाबा, जैसे जैसे महाविनाश जैसे 6-7 रोज में होगा, 36-38 के आसपास। हाँ। तो महाविनाश के जैसे 6-7 रोज के पहले की मैं बातें कर रहा हूँ। हाँ। वो प्रजापिता वर्मा माउंट आबू में होगा कि नहीं होगा? शांति धाम में होगा? वो भी लास्ट विनाश होता है। उस लास्ट विनाश के अंतिम क्षणों में सभी आत्माएं जो भी शरीरधारी है वो अपना शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होंगी। सूक्ष्म वतन तो बाबा कहाँ है? सूक्ष्म तो ऊपर थोड़ी है, सूक्ष्म स्टेज में चली जाएगी। जो सूक्ष्म स्टेज में जाने वाली आत्माएं हैं वो प्रजापिता से पहले पहुंचेंगी या लास्ट में पहुंचेंगी? लास्ट में पहुंचेंगी। नहीं, सूक्ष्म स्टेज में जाने वाली जो आत्माएं हैं वो पहले सूक्ष्म मतन में पहुंचेंगी और प्रजापिता लास्ट तक इस सृष्टि पर रहेगा। उसको शरीर छोड़ते हुए कोई भी नहीं देखेगा। जब लास्ट में ऊपर जाएगा तो उसकी गति इतनी तीव्र होगी कि वो सबसे पहले परमधाम पहुंचेगा। ये बाबा ये जो एक्ट जो प्रजापिता ब्रह्मा की उपाधि आत्मा जो करेगी अपना शरीर छोड़कर सबसे पहले परम धाम पहुंचेगी, वो हमारे कहने का मतलब प्रश्न ये है कि माउंट आबू की धरती से करेगी? माउंट आबू में जो जहाँ उसके जैसे तपस्या करेंगे उस धरती से करेंगे? जब 7 दिन के अंदर सारी दुनिया में बड़े बड़े विस्फोट होंगे तो उसमें माउंट आबू रह जाएगा? उसके बाबा दो 4 दिन पहले महाविनाश से पहले तक तो वो प्रजापिता महाविनाश कोई 1 सेकंड में नहीं होता है, उसमें भी टाइम लगता है। जैसे जैसे विनाश होता जाता है वैसे वैसे स्थापना होती जाती है। स्थापना पहले या विनाश पहले? दोनों। पहले स्थापना फिर विनाश। बाबा जो अष्टदेव है अष्टदेव को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जो सजा देने वाला धर्मराज है क्या उसको सजा मिलेगी? तो पहले ही सजा खा चुका है, उसको तो दारू मुझे दिखाई जाती है। क्या जो भी अष्ट देवताएं हैं उन अष्ट देवताओं में कोई है क्लीन सेव? क्या क्लीन सेव माने पक्के देवता हुए निर्विकारी, और कोई है दाढ़ी मूंछ वाले? जो सजा देने वाला होता है राज्य में, जो सजा देने वाला होता है प्रैक्टिकल, वो कौन होता है? उसे क्या कहते हैं? जल्लाद कहते हैं, चांडाल कहते हैं। तो वो श्रेष्ठ है या निष्कर्ष है? प्यार से सुधार करने वाला अच्छा होता है या मार मार करके सुधार करने वाला अच्छा होता है? तो अष्ट देवताओं में भी लिस्ट है क्या? कोई प्यार से सुधारने वाले हैं और कोई मार सुधारने वाले हैं। एक निकृति भी दिखाया गया है, वो धर्मराज को सपोर्ट करने वाला होगा या ईश्वर को सपोर्ट करने वाला होगा? इसको सपोर्ट करेगा जरूर, इसको सपोर्ट करने वाला होगा।
बाबा राम जी राम जी है, राम जी राम जी है। दुनिया की सबसे पावरफुल और दुनिया की सबसे पवित्र आत्मा कौन है? शिव बाप की नजर में दुनिया की सबसे आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार आत्मा कौन है? तो जो जितना ऊंचा जाएगा उतना उसको नीचे भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए है? बोला तुम बच्चे पाप करने में ज्यादा तीखे हो, ज्यादा पावरफुल हो, या तुम्हारा जो बाप आया हुआ है वो ज्यादा तीखा है? वो सिर्फ पुण्यात्माओं का ही बाप है या पापात्माओं का भी बाप है? जब पापात्माओं का भी बाप है तो रावण कौन हुआ? रामी रावण। ओम शांति।